वंदे मातरम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक और नई अपडेट लेकर। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर चार धाम पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा को शुरू करने और देव स्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर उन्होंने मुंडन करवाया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी उन्होंने सरकार के खिलाफ मुंडन करवाया था। उनका कहना है कि तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने आज मुंडन करवाया है। आप उन्हीं से सुनिए वो क्या कहते हैं। भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को हामुकाम मतलब बना दिया, यहाँ चार धाम यात्रा बंद कर दी, उसके उपलक्ष्य में ये मुंडन कार्यक्रम रखा गया। और आपको मालूम होगा पिछली बार जब मैं बद्रीनाथ आया था यहाँ बिल्कुल वीरान सुनसान था, और तब आप लोग ही थे और मैं ही था, तो मैंने कहा था अभी ये हिंदू धर्म के अनुसार बाल देना एक संस्कार होता है किसी का, अंतिम संस्कार करने का। तो उन्होंने ये कहा दोस्तों कि उन्होंने मुंडन करवा के सरकार को संस्कार दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने ये संस्कार सरकार के अंतिम संस्कार के रूप में करवाया है अपना मुंडन करवा के। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछली बार जब आए थे यहाँ पर बद्रीनाथ धाम और उन्होंने मुंडन करवाया था, तब एक मंत्री गए थे। उनका ये कहना था कि अभी उस समय पंचक लगा हुआ था, तो अभी पांच लोगों का जाना बाकी है। तो उनके अनुसार देखा जा सकता है दोस्तों कि वो कितने आक्रोशित है सरकार के इस फैसले के खिलाफ है कि सरकार ने एक तो देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया है और सरकार ना ही चार धाम यात्रा को शुरू करवाने को लेकर अति शीघ्र कोई कार्य कर रही है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का अपडेट मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, न्यू अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट्स देख सकते हैं। हमारी चैनल पर आपको चारों धामों की डेली अपडेट्स मिलती हैं दोस्तों। तो यदि आप चैनल पर पहले से हैं तो चैनल को सहयोग प्रदान करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय पति विशाल। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ।